स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं। यह वीडियो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। आपने NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक क्षितिज भाग 2 के छठे पाठ से नागार्जुन की लिखी कविता दंतुरित मुस्कान इसके पहले पढ़ी है। इसी पाठ में एक और छोटी सी कविता संकलित है जिसका शीर्षक है फसल। फसल का नाम सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल हमारी आंखों के सामने आ जाता है, जीवंत हो उठता है। लेकिन कवि इस कविता में यह बताते हैं कि फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है। इस कविता में उन्होंने यह भी बताया है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय इस कविता को प्रभावशाली बनाती है। आप ये भी देखेंगे कि उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में यह कविता हमें कृषि संस्कृति की ओर लेकर जाती है। सबसे पहले इस कविता का पाठ करेंगे। एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। छोटी सी कविता है। कवि कहते हैं एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यहाँ पर फसलों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि ये जो खेतों में फसलें फल फूल रही हैं, इनमें एक नहीं, दो नहीं, अनेक नदियों का पानी समाया हुआ है। यानी जाने किस किस पानी से सींच कर ये फसलें तैयार हुई हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कोटि का अर्थ होता है करोड़। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि इसे तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श मिला है। यानी न जाने कितने करोड़ किसान मजदूरों ने इन्हें अपने हाथों से तैयार किया है। उन सब के श्रम का गौरव इन फसलों में है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि कहते हैं कि ना जाने कितनी ही खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव इन फसलों में आ गया है। अर्थात ये फसलें पूरे देशवासियों की मेहनत का फल है। यहाँ पर पहली ही पंक्ति में कवि कहते हैं पानी का जादू। पानी के का जादू कहने से तात्पर्य है पानी में मिले जीवनदायी अमृत तत्व, जिन्हें पाकर फसलें फल फूल कर बड़ी हुई हैं। कवि ने बार बार कहा है कि एक के नहीं, दो के नहीं। इसके द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि जिन फसलों को हम खाते हैं उन्हें उगाने और हम तक पहुंचाने में असंख्य लोगों का, हजारों खेतों का, अनगिनत पानियों का योगदान है। ये किसी एक व्यक्ति, स्थान या नदी की महिमा का फल नहीं है। कवि यहाँ पर कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि देश के अनगिनत किसानों के श्रम का गौरव इस फसल में सन्निहित है। मिट्टी का गुणधर्म, यहाँ कवि कहते हैं कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो यहाँ पर मिट्टी के गुणधर्म से आशय है मिट्टी में रचे बसे हुए खनिज तत्व। हर मिट्टी के गुण अलग अलग होते हैं, इस कारण उसका स्वाद, स्वभाव और प्रभाव अलग हो जाता है। आगे कहते हैं कि फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है,
रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि यहाँ पर प्रश्न करते हैं फसल क्या है और स्वयं उसका उत्तर भी देते हैं कि ये फसलें और कुछ नहीं है बल्कि पानी के अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई हैं। इनमें नदियों का जादुई प्रभाव है, ये किसानों के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर इतनी फली फूली है, यानी इन फसलों में किसानों की मेहनत छुपी है। ये फसलें कहीं भूरी मिट्टी से उपजी हैं, कहीं काली मिट्टी से उपजी हैं, तो कहीं संदली मिट्टी से उपजी हैं, यानी इनमें अपनी अपनी मिट्टी का गुण, स्वभाव, स्वाद और प्रभाव छिपा हुआ है। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, यानी कि सूरज की किरणों ने ही इन्हें उष्मा देकर इस तरह का रूपाकार प्रदान किया है। हवाओं की थिरकन सिमटकर इन फसलों में समा गई है, यानी इन्हें बड़ा करने में वायु का भी भरपूर योगदान है। यहाँ पर कवि कहते हैं पानी का जादू। पानी का जादू कहने से कवि का यहाँ पर तात्पर्य है कि पानी में मिले जीवनदायी अमृत तत्व जिन्हें पाकर फसलें फल फूल कर बड़ी हुई हैं। इसी तरह जब वो हाथों के स्पर्श की महिमा कहते हैं तो उनका यहाँ पर तात्पर्य है कि ये फसलें किसानों के हाथों का स्पर्श पाकर इतनी बड़ी हुई हैं। यदि किसानों के श्रम की महिमा ना होती तो वे इस तरह से उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी तरह जब कवि कहते हैं मिट्टी का गुणधर्म, तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि हर एक मिट्टी का गुण, धर्म, स्वभाव, स्वाद अलग अलग होता है और इसीलिए फसल में वह इसी तरह अलग अलग झलकता भी है। और अंत में बहुत महत्वपूर्ण है रूपांतर है सूरज की किरणों का। तो यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि फसलों को उगाने में सूरज की किरणों का भरपूर योगदान होता है। वास्तव में सूरज की किरणें ही अपना रूप बदलकर इन फसलों के रूप में उगाती हैं। अब इसमें कवि ने जिन तत्वों की चर्चा की है कि वे कौन कौन से तत्व हैं जिनसे फसल बनते हैं, तो आपको याद होगा उन्होंने चर्चा की है जल, मिट्टी, धूप तथा वायु की, और इसके साथ साथ मानव श्रम का। तो इन सब के सम्मिलित प्रभाव से ही कोई फसल बन पाती है। अब यहाँ पर हम ये जरूर देखते हैं कि इसमें कहीं भी अत्यंत किसी कठिन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखी है और साथ ही साथ यह कविता छंद मुक्त है। उम्मीद है आपको यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।